हे बेस्टीज, कैसे आप सब? मैं तो एकदम मस्त हूँ क्योंकि आज मुझे बाहर जाने का मौका मिला। इतने दिन से मैं घर पे बोर हो चुकी थी, मुझे बिल्कुल भी कोई जरिया ही नहीं दिख रहा था बाहर जाने का। फिर आज पता नहीं मेरी मम्मी इतनी दयावान कैसे हुई, मम्मी को आना आज एक काम आ गया तो मम्मी ने बोला कौन करेगा, मैंने बोला मैं करूँगी। मैं तो वैसे तो कॉम्प्लेक्स तक जाके हो जाता क्योंकि एकदम दवाई लानी थी, तो मैंने बोला कि मैं ले आऊँगी। फिर मुझे अपना इतना सारा काम याद आ गया, मेरी इतनी ज़रूरतें याद आ गई। पता क्या, बहुत मतलब ऐसा था कि मुझे ना बहुत टाइम से ये सारी चीज़ें चाहिए थी। मैं ऑनलाइन दिखती थी, जैसे 200 रुपये का सामान पता कितने का दिख जाता था, 400 का हो जाता था यार, इतना महंगा पड़ जाता था। मैंने बोला यार मैंने सब कुछ अपने दिमाग में रखा हुआ था, मुझ में हर दिन ऐसे फ्री हो ना तो देखती रहती थी, मुझे मतलब बहुत ज़रूरत है उन सारे सामान की। तो मैंने सोचा आज मैं वो सब भी लेकर आऊँगी। और मैंने जो आज ये टी शर्ट पहनी है ना, मतलब शर्ट, ये शर्ट ना मेरे स्कूल टाइम की है। स्कूल में मैं ये पहनती थी, मतलब जब भी कहीं घूमने जाना होता था ना तब। तो पतले होने के बहुत फ़ायदे होते हैं, जो ये कपड़े होते हैं ना ये कभी भी छोटे और टाइट नहीं होते हैं। तो पतले होने के बहुत फ़ायदे हैं, जो ये लोग जो बोलते हैं ना थोड़ा खाओ मोटे हो जाओ मोटे हो जाओ, वो लोग जलते हैं हम लोगों से। हम लोगों के कपड़े कभी भी वेस्ट नहीं होते, पता है। तो मैं भी मेट्रो में वेट कर रही हूँ। वैसे तो कॉम्प्लेक्स से भी ले सकते थे बट बहुत महंगा मिलता मेरे यहाँ पे। तो मैं जा रही हूँ, दोस्त अब है तो हम मेट्रो से जाएंगे, मतलब मैं, और सामान लूँगी। इस ब्लॉग से ना आप मुझे अच्छे से जान पाओगे क्योंकि मैं इस वक्त बहुत सारे राज बताने वाली हूँ। हाँ, कि मैं कैसे करती हूँ और क्या करती हूँ, मैं क्या यूज़ करती हूँ, मैं सब कुछ लूँगी क्योंकि वो सब मेरे इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसे बताया मेरे बाल देख सकते हो ना, पता है क्या, मैं बहुत ब्लॉग में बोल रही थी ना कि मेरे बाल बड़े गंदे, मैं अभी इतना इंट्रो इतना बड़ा इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अभी तक मेट्रो नहीं आई। तो पता है क्या, जो ये मेरे बाल में बोलती थी ना गंदे, रियल में ना मेरे बाल अच्छे हैं यार। ये पता है क्या, बिल्कुल भी ना रफ़ नहीं है। ये पता है इतने ज़्यादा वो क्यों लग रहे हैं, क्योंकि ना उमस का सीज़न है ना इसीलिए। तो मैंने सोच लिया कि मैं लूँगी एक अच्छा सा सिरम। और मैं ना ये जो बुटॉक्स में बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं करने वाली हूँ, बुटॉक्स बहुत महंगा भी है और कुछ नहीं होगा, मेरे बाल उससे सिर्फ पतले हो जाएंगे। तो मुझे अपना बाउंड से लुक चाहिए, तो इसलिए बुटॉक्स का कैंसिल हो गया, ठीक है। मतलब मैं अभी पैसे बचाने का सोचूँ तो मैं एक अच्छा सा सिरम लूँगी। और मैं सोच रही हूँ थोड़ा कलर लूँ, बट अभी बहुत कलर है वैसे, बट लेट्स सी अगर मुझे कुछ अच्छा सा दिखा तो, क्योंकि मैं हमेशा वहीं से लेती हूँ। और भी बहुत कुछ आपको पता चलेगा तो, और आप मतलब आपके यूज़फुल का भी हो सकता है, मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं गर्ल्स के लिए होगा, बॉयज़ के लिए भी काम आ सकते हैं। तो चलो, मेट्रो अभी तक नहीं आई है, वेट करते हैं, दिखाती हूँ मैंने क्या पहना है आज। तो मैंने ना ये पहना है, क्रॉक्स पहने हैं, एक पैंट पहनी है और ये वाली मेरी शर्ट पहनी है। और पता है क्या, बहुत बड़ा हो गया इंट्रो, बहुत ही ज़्यादा बड़ा। तो मैंने ये पहने हैं आज कपड़े और सब कुछ दिखाऊंगी। इंट्रो बड़ा हो चुका है बट सब कुछ देखने को मिलेगा, ये बहुत ही मस्त व्लॉग होने वाला है। तो ये वाली मेट्रो तो आ चुकी है, मेरी वाली भी आने वाली होगी, तो रेडी हो जाती हूँ शरीफ बच्चों की तरह। तो मुनेरका के अंदर एंटर कर लिया है और ना मैं मुनेरका आई हूँ, दो स्टॉप था मेरे यहाँ से शंकरगढ़ से। तो अभी हम लेंगे सामान, यहाँ सब्जी सस्ती मिलती है। तो अब मैं जाऊँगी, सबसे पहले मैं लूँगी मम्मी ने जो काम दिया है वो। मुझे ना इस शॉप में भी जाना है, मैं हमेशा ना इससे ही सामान लेती हूँ, इसका सामान ना अच्छा होता है, मतलब जो मुझे लेना वो यहाँ मिलेगा। तो अभी मैं लेने जा रही हूँ मम्मी का सामान। तो ये है वो केमिस्ट की शॉप, और ना ये सच में सामान ना थोड़ा सस्ता देता है और डिस्काउंट भी देते हैं, ये मुझे जानते हैं। मैंने ना हेयर सीरम लिया है, ये वाला, ये सबसे अच्छा है, मैं हमेशा ये यूज़ करती हूँ। ये भी अच्छा है बट ये महंगा है। ये वाला मुझे पड़ गया होगा 260 का। सारे केमिस्ट नहीं देते बट पता है, सारे केमिस्ट नहीं देते, हाँ। अपना रेगुलर केमिस्ट वाले। अच्छा, ये पता है डिस्काउंट देते हैं। तो मैंने ये लिया है सिरम और जैस्मिन गोल्ड लिए हैं और ये डिस्काउंट दे रहे हैं, 150 इसकी। ओके, तो मैंने ना हेयर सिरम लिया अपने बालों के लिए, मैं हमेशा ही स्ट्रिक्ट का ही यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा है, आप भी यूज़ कर सकते हो। और ना इन्होंने मुझे डिस्काउंट दिया अच्छा खासा, 400 का था वो सारा सामान। जो मैंने दवाइयाँ लिया ना वो भी महंगी थी क्योंकि, और मेरा जो हेयर सीरम था वो था 260 का, शायद उन्होंने 250 कराया होगा। बहुत दूसरी शॉप्स में था ना, तो जितना एमआरपी होता है उतने का ही देता है, डिस्काउंट नहीं देता। और इनको तो कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही डिस्काउंट देते हैं। तो आप इस शॉप में आ सकते हो, ठीक है। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं कमेंट में दे दूँगी जवाब। और क्या बोल रही थी, अब मुझे लेना है ना, अब मैं लूँगी, पतंजलि जाएंगे अब हम, ठीक है। नहीं, पतंजलि नहीं, वो बहुत आ गया अभी ना, मैं आपको लेके जाऊँगी जैसे मैं हेयर कलर खरीदती हूँ, ठीक है। मैं अकेले बना रही हूँ, कितनी कट से सच में। अब हम जाएंगे इस शॉप में, इस शॉप की शक्ल में मिल जाओ, यहाँ बहुत अच्छा सामान मिलता है। मुझे ना सामान लेना है। मैं तो ये है वो कलर्स जो मैं यूज़ करती हूँ, अभी दिखाती हूँ आपको।
ये ला रहे हैं, मैं हमेशा इन्हीं से लेती हूँ बचपन से, मतलब जब से मैं खुद जब करती हूँ तब ले, तो मैं पार्लर से भी करती हूँ, बट जब मैं खुद करती हूँ ना तो मैं हमेशा यहीं से लेती हूँ। ये ना कॉम्प्लेक्स में नहीं मिलता, मतलब ये वाला ब्रांड नहीं मिलता, बहुत कॉस्टली वाला मिलता है, इसके लिए मुझे यहीं आना पड़ता है। उनके पास ना हाइलाइटर्स भी हैं, तो मैं सोच रही हूँ पर्पल ले लूँ, खुद से ही कर लूँगी। और भी बहुत सारे हैं इनके पास, यहाँ से ले सकते हैं। तो जो ये मैंने कलर लिया है ना स्ट्रिप्स का, मैं बता दी हूँ, ये बहुत बार ऐसा होता है कि ना मैं खुद भी कर लेती हूँ कलर। पहले मैं पार्लर से करवाती थी, बट बहुत टाइम से मैंने पार्लर से नहीं करवाया, खुद ही मैं ट्राई करती रहती हूँ, कभी ब्लू ब्लैक, कभी कुछ। बीच में मैंने रेड करवाया था पार्लर से, उसके बाद मैंने नहीं करवाया, मैं खुद ही ट्राई करती हूँ। बीच में आपने देखा होगा मेरे ब्लैक बाल थे, अब मेरे ना ब्लॉन्ड जैसे हैं, ये सब मैंने किया है खुद, ब्राउन सब कुछ। तो इस बार मैं सोच रही हूँ पर्पल करते हैं, तो देखते हैं कैसा होता है, उसकी वीडियो मैं अलग डालूँगी, तब देख सकते हो। मैंने ना ये सब भी लिया है खाने के लिए। यहाँ पे ना बहुत सारा फर्नीचर का सामान मिलता है, तो यहाँ से ले सकते हैं। नहीं अभी नहीं चाहिए कुछ भी, तो यहाँ से सामान भी ले सकते हैं। और अब मैं जा रही हूँ पतंजलि की शॉप की तरफ, तो अब मैं जा रही हूँ पतंजलि की तरफ, ये रोड की तरफ से ही जाना है। और भी पूछना होगा तो आप लोगों से पूछ के भी जा सकते हो पतंजलि की तरफ। पता है क्या, रामदेव बाबा का ना कोई और सामान अच्छा हो या ना हो, ये दवाई बड़ी अच्छी है, इसके बारे में ना मुझे प्रकृति ने बताया था, और मैंने इसे एक साल से खा रही हूँ। मतलब ऐसा है कि पूरे टाइम नहीं खाती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं, बट हाँ अभी मैं इतने मैंगो खा रही हूँ ना, मेरी स्किन ना इतनी अच्छी नहीं हो रखी अभी, तो इसलिए मैंने सोचा ले लेती हूँ एक डिब्बा। तो पता क्या, एक डिब्बी छोटी सी, तो पता क्या इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, मतलब मेरे जो मेरे पर्सनल रिव्यूज़ हैं, मैंने नेट में नहीं देखे, तो पता निकले कि नहीं ये दवाई बहुत अच्छी है। और अगर आपको भी ऐसी कोई स्किन एलर्जी या फिर कुछ है ना, तो आप वो दवाई ले सकते हो, बहुत अच्छी है। एकदम ना रोड के किनारे ही है, 24 कैरेट के बगल में ये रामदेव बाबा की दुकान, तो अब हम यहाँ से लेंगे। और मेरे चिप्स मेरे हाथ पे, तो ये है वो दवाई, 125 रुपीज़। और भी बहुत कुछ है, शायद यार मैंने वो दवाई ले ली, पता है क्या बहुत अच्छी दवाई है वो, आप भी लेना कोई, सारी स्किन एलर्जी के लिए वो। और मैं क्या बता रही थी, मुझे नहीं कोई और सामान ले रहा है, बाय, मेरे पास पैसे खत्म हो गए। मैंने बिना मतलब मैं महंगा वाला सिरम ले लिया, उतना भी महंगा नहीं लेना था, तो पता है क्या मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे ना लेना था वीनस का रेजर, और ना ऑनलाइन है मेरे पास पैसे, बट मेरे पास ना इंटरनेट भी नहीं है, तो पता है क्या मैं डाउनलोड नहीं कर सकती ऐप। मेरी लिपस्टिक भी निकल गई है, मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। तो पता है क्या, अब मैं जा रही हूँ मेट्रो स्टेशन की तरफ, जो मुझे रेज़र लेना है ना वो मैं अपने कॉम्प्लेक्स से ले लूँगी कल। तो हाँ, मैं रेज़र की बात इसलिए बता रही थी, देखो मैं तो बिल्कुल भी वैक्सिंग और वो सब करवाती नहीं हूँ, मैंने कभी मतलब एक बार करवाई थी अभी मेरे भाई की शादी के टाइम, तब करवाई थी मैंने, तो अदरवाइज मैंने कभी नहीं करवाई, तो मुझे ऐसे मार्केट से लेना पड़ता है, वो ज़्यादा नहीं चलता, बट फिर भी वैक्सीन से तो वो बहुत ही सस्ता और दर्द भी नहीं देता है। तो मैं जा रही हूँ मेट्रो स्टेशन की तरफ वापस। वो अंकल आ गए, पुलिस वाले ना आवाज़ कर रहे थे, तो अब मैं जा रही हूँ ना ये सबवे के अंदर घुस रही हूँ मैं। इतने जल्दी मैं सामान ले लेती, मुझे पता नहीं था, मतलब इतने जल्दी ले लिया इस बार मैंने सारा सामान, पता नहीं यार इस बार मेरे घर वालों ने वो बाहर का कुछ टेस्टी टेस्टी मंगवाया ही नहीं, देखो मैं भी वो सब खरीदी होती चिली पैटर ऐटो और वो सब, बट पता नहीं मुझे पैसे ही नहीं दिए, देखो चिली पैटर ऐटो लेते हैं। अब मैं आ चुकी हूँ सबवे के अंदर, ये सबवे पता है कैसे कनेक्टेड है मेट्रो स्टेशन से, तो हम यहीं से ना मेट्रो स्टेशन के अंदर घुस जाएंगे। देखो ये रहा वो मेट्रो स्टेशन कनेक्टेड, एक ब्लाइंड इंसान आ रहा है, तो ये रहा। और यहाँ कपल बैठे होंगे, यहाँ कपल ही बैठे रहते हैं पता है, क्योंकि यहाँ हवा चलती रहती है ना, मैं इतने तेज़ हवा से उड़ती हुई जाती हूँ ना कि मेरे सारे बाल खराब हो जाते हैं। देखो अब मैंने ना सिरम ख़रीद लिया है, और फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना, तो मुझे बोटॉक्स करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि ना उससे बाल स्ट्रेट तो हो ही जाते हैं यार, पता है क्या, तो देखते हैं सिरम का कोई फ़ायदा होता है। मतलब मैं सिरम लगाती हूँ शुरू से ही, बहुत टाइम से लगा नहीं रही हूँ ना, तो मुझे याद नहीं आ रहा,
मतलब बोटॉक्स कराने का तो मैंने सिरम लगाना ही छोड़ दिया था पहले, तो देखते हैं कुछ फर्क पड़ता है तो बोटॉक्स कराएंगे। तो मैं आ चुकी हूँ मेट्रो स्टेशन के अंदर, तो व्लॉग का यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लविंग। आज मैंने ना लिप ग्लॉस लगाया था, सब निकल जा रहा है, बाय।